व युवाओं को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। वो खून पसीने की स्याही से सबकी किस्मत लिखते हैं, उस फौलादी नींव पर हम विकास पथ पर बढ़ते हैं, हम विकास पथ पर बढ़ते हैं। अब मैं 2022 के आय व्यय से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। नियोजन, वित्त और प्रशासन। माननीय अध्यक्ष जी, समुचित नियोजन के बिना विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि राज्य में संचालित योजनाओं का समुचित अनुवेक्षण हो, संसाधनों की अभिवृद्धि के अनुवरत प्रयास हो, मित व्ययता हो, समुचित कानून व्यवस्था हो तथा नवाचार व नवीन प्रौद्योगिकी को निरंतर बढ़ावा मिले। ई गवर्नेंस प्रणाली के अंतर्गत राज्य में विभिन्न विभागों में संचालित परियोजनावार कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की ऑनलाइन पोर्टल ई आकलन से समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में 5 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु एक कैपिटल डैशबोर्ड तैयार किया गया है। प्रदेश में संचालित की जा रही बाह्य सहायतित परियोजनाओं के ऑनलाइन अनुसरण हेतु ईएपी डैशबोर्ड तैयार किया गया है। राज्य योजना आयोग की वेबसाइट www.spc.uk.gov.in के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिसेस आमंत्रित किए जाने की सुविधा प्रारंभ की गई है। वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने व उनके कौशल विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उत्तराखंड द्वारा देश की कई नामी संस्थाओं के साथ पहली बार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया है। संस्थान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद तथा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हैदराबाद के साथ प्रदेश के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल विकसित करने व एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी अनुबंध किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान द्वारा 2200 कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व अभिवृद्धि के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर विभाग के तत्वावधान में विभिन्न नवाचारी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। एक विवेकपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के माध्यम से संभावित क्रामचन टैक्स इवेजन के जोखिमों को कम किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में क्रामचन को रोकने तथा प्रवर्तन इकाइयों की प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाने हेतु मुख्यालय पर कंट्रोल रूम का गठन किया जाना प्रस्तावित है। ई वे बिल प्रणाली के विश्लेषण को प्रभावी बनाए जाने हेतु राज्य सरकार पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम परियोजना के माध्यम से वीडियो एनालिटिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग के द्वारा सूचनाओं का डाटाबेस तैयार किए जाने का कार्य प्रस्तावित है। जीएसटी के उपभोग आधारित कर प्रणाली होने के कारण उत्तराखंड राज्य के उपभोग स्वरूप का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है, ताकि तदनुरूप राजस्व अभिवृद्धि हेतु कार्यनीति बनाई जा सके। करदाताओं के मध्य जीएसटी अनुपालनाओं का अधिक प्रचार प्रसार किए जाने के लिए हमने गंभीर प्रयास प्रारंभ किए हैं। जन जागरूकता के विभिन्न विषयों को भी विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अधिकाधिक व्यापारियों को पंजीयन प्राप्त किए जाने हेतु प्रोत्साहित करने तथा पंजीकृत व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के दोहरे उद्देश्य व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाती है। बजट पूर्व संवाद के दौरान व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में अभिवृद्धि का सुझाव आया था। इस आय व्यय में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 5 लाख की बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष जी, निबंधन कार्यालयों में कंप्यूटराइजेशन व पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन किए जाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आम जनता की सुविधा हेतु व कार्य प्रणाली सरल बनाते हुए संपत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्किलों दरों को ऑनलाइन प्रदर्शित किए जाने हेतु GIS एप्लीकेशन प्रणाली को अपग्रेड कर और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे आमजन को संपत्ति के स्थान के अनुसार सर्किल दर पर
उसका मूल्यांकन करना अधिक सुविधाजनक होगा। निबंधन कार्यालय में ऑथेंटिकेशन ई के वाई सी व वर्चुअल प्रेजेंस के माध्यम से कार्य संचालित कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्थापना को सुदृढ़ करने से संबंधित सुधार किए जाने प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु यथोचित प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, शासकीय कार्य को पूर्णतः पेपरलेस करने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके अंतर्गत 31 मई 2022 तक लगभग 2,646 आरण वितरण कार्यालयों द्वारा 75,500 कार्मिकों तथा 1,19,000 पेंशनरों के कुल 53,00,000 पृष्ठों को डिजिटाइज कराया जा चुका है। जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में लेखा परीक्षा में नए कार्य क्षेत्रों यथा आईटी ऑडिट, फ्रॉड एंड फॉरेंसिक ऑडिट आदि पर ऑडिट मैनुअल तैयार किए जा रहे हैं, जिससे लेखा परीक्षा कार्यों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि होगी। राज्य में ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट के संबंध में शिकायत व सुझाव अंकित किए जाने की कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से ग्रीवांश रेड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल को 5 जनवरी 2022 को लॉन्च किया जा चुका है। जीरो टॉलरेंस के सूत्र वाक्य का यह एक जीवंत दस्तावेज है। माननीय अध्यक्ष जी, सुशासन हमारी शीर्ष प्राथमिकता है, इसे तो हमारी संवेदनशील सरकार ग्रास रूट लेवल पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में पर्वतीय क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे राजस्व पुलिस का सुदृढ़ीकरण हेतु समस्त 1216 पटवारियों को पुलिस कार्यों के निर्वहन हेतु मोटरसाइकिल प्रदान करने के लिए इस आय व्यय में 9.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एक नारा नहीं अभी तो हमारी सरकार का एक जीवन प्रणाली है और हमारी कार्य संस्कृति है। देश और दुनिया में हमारे राज्य की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान है। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो, जो समानता और सामाजिक बुनियादों पर मजबूती के साथ खड़ी हो और जो प्रगतिशील हो। राज्य में सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार, सामाजिक सद्भाव व लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून, विरासत, गोद लेने, रखरखाव, सुरक्षा, संरक्षकता इत्यादि एवं समान नागरिक आचार संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस हेतु आयोग में नई मांग के माध्यम से 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं सहायक गतिविधियां, अध्यक्ष जी, ये हमारा पथ और हम प्रतिबद्ध यू स्वयं को झोंक देंगे और क्या उसरों में हम उम्मीदें रोप देंगे। जनता के सुझाव व बजट पूर्व संवाद में अनेक सुझाव कृषि व सहायक गतिविधियों को लेकर भी प्राप्त हुए थे। किसानों के उत्पादों की जंगली जानवरों से सुरक्षा तथा उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। हम अपने कृषक भाई बहनों की पीड़ा को समझते हैं, इसीलिए इस आय व्यय में यथासंभव यथोचित प्रावधान करने का विनम्र प्रयास किया गया है। वर्ष 2022 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जा रहा है। प्रकृति ने हमारे पहाड़ी जनपदों को पौष्टिक अनाज के उत्पादन के अनुरूप मृदा व जलवायु प्रदान की है। आवश्यकता है एक संकल्प की, दृढ़ इच्छा शक्ति की, ग्रामीण भाई बहनों के हौसला बढ़ाने की, उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की और पौष्टिक अनाज को उचित मूल्य दिलाने की। इस संबंध में बजट पूर्व संवाद एवं आपका बजट आपका सुझाव कार्यक्रम में जनता की ओर से सुझाव प्राप्त हुए थे। सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम की इस नई मांग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में योजना हेतु धनराशि 7.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जैविक कृषि अधिनियम लागू किया गया है। गत 5 वर्षों में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है, जो वर्तमान में बढ़कर 2,15,000 हेक्टेयर हो गई है। यह कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 34% है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 4,485 जैविक क्लस्टर भी संचालित किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जैविक उत्पादों के विपणन हेतु जैविक आउटलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं।
अध्यक्ष जी, पात्र कृषकों को कृषि कार्य हेतु विनिवेश के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 रुपए प्रति किस्त की दर से प्रति वर्ष 6000 रुपया का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 9,30,000 कृषकों के खाते में 1,581.46 करोड़ रुपया स्थानांतरित किया जा चुका है। कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब तक हमारे प्रदेश में 5,73,000 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लघु, सीमांत, महिला कृषकों एवं दूरदर्शी पर्वतीय क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म मशीनरी बैंक एवं मैदानी क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में गत 5 वर्षों में 6,24,000 कृषक बीमित हुए हैं। खरीफ सत्र 2021 तक 1,14,475 कृषकों को लगभग 25,95,00,000 क्षतिपूर्ति की गई है। योजना का लाभ अधिक से अधिक कृषकों को तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के व्यय आय व्यय में इस योजना हेतु 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक भाई बहनों की मेहनत को समुचित व सम्मान दिलाने के लिए तथा उत्तराखंड राज्य के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है। जीआई टैग प्राप्त करना उत्पाद की विशिष्टता को सुनिश्चित करते हुए वैश्विक बाजार की बेहतर संभावना उपलब्ध कराता है। प्रदेश की स्थानीय फसलों को जीआई टैग प्रदान कराए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। मुनस्यारी राजमा को 2021 में भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 11 फसलों यथा उत्तराखंड मंडवा, जंगोरा, गैत, लाल चावल, काला भट, माल्टा, ब्रांच जूस, चौलाई, अल्मोड़ा, नखोरी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल तथा बैरीनाग चाय को जीआई टैग प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार में आवेदन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत 45-55% राज सहायता प्राप्त की जा रही है। अध्यक्ष जी, किसान भाई बहनों के हित में इस सहायता को 25% बढ़ाकर 70-80% किए जाने का प्रस्ताव है। यह सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022 के आय व्यय में इस योजना हेतु कुल धनराशि लगभग 43,15,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, औद्योगिकी के समग्र विकास हेतु हमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं इस अवसर पर बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत औद्योगिक फसलों हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का विशेष उल्लेख कर रहा हूँ। हमारी सरकार भी मुख्यमंत्री एकीकृत औद्यानिक विकास, मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना, मिशन एप्पल, बागानों को घेरबाड़ योजना, वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना, उत्तर फसल प्रबंध योजना, राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण, मशरूम उत्पादन विपणन योजना, कृषि एवं उद्यान उत्पादकों उत्पादों के समर्थन मूल्य की योजना, मधुमक्खी पालन की योजना, मधुग्राम योजना आदि योजनाओं के माध्यम से कृषकों की उन्नति में भागीदारी निभा रही है। कोविड महामारी के समय विभिन्न स्थानों में वापस आए अपने उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना अक्टूबर 2020 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषकों को 50% अनुदान पर 1,12,000 फल पौध, 3,652 क्विंटल सब्जी बीज, 1,796 क्विंटल मसाला बीज तथा 60% अनुदान पर 27,972 किलोग्राम किट व्याधि नाशक दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही एक रेफ्रिजरेटेड वैन व 2 कूल हाउस स्वीकृत किए गए हैं। योजना अंतर्गत कुल 53,265 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 17 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान भाई बहनों के हित की रक्षा के लिए उत्तराखंड फल पौधशाला नियमावली 7 जनवरी 2020 को प्रख्यापित की गई है।
इस नियमावली से विश्वसनीय एवं गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री कृषकों को उपलब्ध हो सकेगी। कृषकों के फसलों को विभिन्न मौसमी कारकों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत औद्यानिक फसलों हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सेब, आम, आड़ू, माल्टा, संतरा, मौसमी, लीची, टमाटर, अदरक, आलू, फ्रेंच बीन, मटर एवं मिर्च का बीमा कराया जाता है। क्लाइमेट स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से मृदा के पोषक तत्वों के संरक्षण, सिंचन क्षमता में वृद्धि व उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करने की कार्रवाई गतिमान है। आराकोट में सेब भंडारण हेतु 1000 मेट्रिक टन क्षमता का कंट्रोल एटमोस्फियरिक स्टोर निर्माण कार्य प्रगति पर है। हमारे उद्यान नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे हैं। राज्य में स्थापित राज्य उद्यान चौबटिया, रामगढ़ व धनोल्टी को हार्टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में औद्यानिकी विकास हेतु राजस्व मद में कुल राशि 501.37 करोड़ तथा पूंजीगत मद में 36.1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार प्रदेश में चाय के उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है। चाय विकास बोर्ड द्वारा 1423 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय बागानों का रखरखाव किया जा रहा है। पूर्व में स्थापित चाय बागान घोड़ाखाल, चंपावत, नोटी को जैविक चाय बागानों के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। चाय बागान धोला देवी, डीडीहाट, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागानों में परिवर्तित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है एवं चाय बागानों को टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में चाय विकास योजना हेतु कुल धनराशि 18.4 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, कृषि एवं औद्यानिक उपजों के जंगल जानवरों द्वारा हानि पहुंचाने की चुनौती से निपटने के लिए जड़ी बूटी कृषिकरण व वृक्षारोपण हेतु कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र जिनमें जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से पैदा हो रही हैं, उन्हें चिन्हित कर जड़ी बूटियों के विकास हेतु नवीनतम तकनीकी को अपनाते हुए उनके उत्पाद एवं गुणवत्ता में वृद्धि के साथ सीधे कृषकों की आय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई द्वारा एरोमा सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए तथा राज्य में विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु, मृदा व भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष सगंध फसल आधारित एरोमा वैलियां विकसित किया जाने की योजना है। इन एरोमा वैलियों से वन्य जीवों से परंपरागत खेती को हो रहे नुकसान के कारण बंजर कृषि भूमि को सगंध फसलों द्वारा आबाद किया जा सकेगा। प्रत्येक वैली हेतु विशेष फसल यथा डेमस्तक, गुलाब, लेमन ग्रास, मिंट, सेनामन, सुरई, तिमूर, जूनिपर, रोजमेरी, लेवेंडर, चंदन, सिट्रस, हैम्प आदि को चिन्हित किया गया है। राज्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सगंध पौधों के तेलों पर आधारित उत्पादों के विकास पर शोध कार्यों हेतु सगंध पौधा केंद्र परिसर सेलाकुई में अंतरराष्ट्रीय स्तर की इत्र एवं सुगंध प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2021 को किया गया है। कृषकों को गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की गई है। इस नर्सरी में 1,00,000 पौध प्रतिवर्ष तैयार करने की क्षमता है। अध्यक्ष जी, प्रदेश की आर्थिकी में सगंध पौधा किसान भाई बहनों के लिए नई उम्मीद बनकर आया है। इस आलोक में सगंध पौधा केंद्र के 2 क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव हैं। गढ़वाल क्षेत्र में भरसार एवं कुमाऊं क्षेत्र में चौबटिया में ये केंद्र खोले जाएंगे। अध्यक्ष जी, बजट पूर्व संवाद व जनता के सुझाव के क्रम में अवगत कराना है कि राज्य के भूमिहीन किसानों, काश्तकारों एवं युवाओं को मशरूम उत्पादन से जोड़ने हेतु विशेष फल बल दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से बटन, ढिंगरी, शिटाको, गैनोडर्मा इत्यादि प्रजातियों का बढ़ावा दिया जा रहा है। हम प्रदेश में मशरूम और औषधीय मशरूम के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की आय दुगुना किए जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा दीनदयाल उपाध्याय
सहकारिता किसान कल्याण योजना अंतर्गत सहकारी सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना अंतर्गत मार्च 2022 तक कुल 121,056 लाभार्थियों को रुपए 804.76 करोड़ का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसके सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कुल 47 करोड़ की धनराशि ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में संबंधित लाभार्थियों खाते में जमा की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत लगभग 1,200 स्वयं सहायता समूह एवं 1,50,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 55 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजकीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के 10,000 भेड़ बकरी पालकों को 250 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों का क्लस्टर आधारित गठन किया गया है, जिसमें लगभग 5,000 महिला सदस्य हैं। योजना अंतर्गत फेडरेशन एवं लाभार्थी के मध्य कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग एवं लैंड बाय बैंक का अनुबंध किया गया है तथा भेड़ बकरियों के शारीरिक भाव में वैज्ञानिक पशु पोषण के माध्यम से वृद्धि किया जा रहा है एवं उच्च गुणवत्ता के स्वस्थ स्वच्छ हिमालय गोट मीट को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में टेक्सटाइल एंड वुलन इंडस्ट्री में महीन ऊन एवं लंबे फाइबर की मांग है। ऊन उद्योग की इस मांग को पूरा करने के लिए देश में मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड से महीन ऊन आयात किया जाता है। इस आलोक में प्रदेश के भीड़ बकरी पालकों की आर्थिकी को मजबूत करने के उद्देश्य से दिसंबर 2019 में उच्च गुणवत्ता की 240 ऑस्ट्रेलियन मैरिनो भेड़ें आयात की गई। आयातित भेड़ों से नैसर्गिक प्रजनन तथा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से वर्तमान तक लगभग 1,500 उच्च गुणवत्ता की प्योर लाइन मैरिनो एंड क्रॉस ब्रीड मैरिनो संस्कृति प्राप्त हुई है। इसका उपयोग राज्य के भेड़ पालकों के की भेड़ों में ऊन उत्पादन व मांस उत्पादन में वृद्धि करते हुए भेड़ पालकों की आजीविका संवर्धन करने में किया जा रहा है। यह प्रयास देश एवं प्रदेश को ऊन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। भेड़ों के साथ साथ बकरियों में भी नस्ल सुधार हेतु अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से आयातित ऑस्ट्रेलियन मैरिन भेड़ों व उच्च गुणवत्ता के बकरों के वीर्यों से राज्य में व्यापक स्तर पर नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं को विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जंगल में चारा एकत्रित करने जाना पड़ता है। इनमें न केवल अत्यधिक समय लगता है अपितु दुर्घटना होने व जंगली जानवर से जान का खतरा भी है। एक संवेदनशील सरकार का परिचय देते हुए हमारी सरकार ने वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री घरसियारी कल्याण योजना को 4 पर्वतीय जनपदों में प्रारंभ किया। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस महत्वपूर्ण योजना का विस्तार इस वित्तीय वर्ष में सभी 9 पर्वतीय जनपदों में किया जा रहा है। यह आय हेतु आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। पशु प्रजनन फार्म कालसी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत देशी नस्ल की गायों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना इसी वर्ष जनवरी माह में की गई है, जिसमें रेड संधि साहिवाल एवं गिर नस्ल की पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। प्रक्षेत्र पर देशी नस्ल की गायों में ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एवं फील्ड इम्ब्रियो ट्रांसफर की स्थापना के अंतर्गत वर्तमान तक 472 उत्कृष्ट नस्ल की संस्थिति प्रक्षेत्र एवं पशुपालक के द्वार पर उत्पन्न हो चुके हैं। पशुधन बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 तक 24,682 पशु बीमित किए गए थे, जिनमें 9 गुना वृद्धि करते हुए 2,25,882 पशुओं को बीमित किया जा चुका है। राज्य में स्थापित देश की प्रथम
राजकीय लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2019 से लिंग वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन प्रारंभ किया गया है, जिनमें अभी तक 7,36,000 वीर्य एक्स्ट्रा उत्पादन किया गया है। लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भधारण से 90% से अधिक बच्चिया उत्पादित हो रही है, जो न केवल पशुपालकों की आय दुगुनी करने में सहायक होगा अपितु आवारा पशुओं की संख्या में नियंत्रण लाने में भी सहायक सिद्ध होगा। हमारी सरकार की मंशा यह है कि आगामी 5 वर्ष के कार्यकाल में चरणबद्ध तरीके से लिंग वर्गीकृत वीर्य के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को 100% तक विस्तार किया जाएगा। इस आय व्ययक में इस हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पशुओं की पहचान हेतु वर्ष 2016-17 तक पंजीकृत 73,379 पशुओं के सापेक्ष लगभग 32 गुना अधिक गाय एवं भैंसों की टैगिंग करते हुए वर्ष 2021-22 तक 23,72,669 इनाफ पोर्टल पर पंजीकरण किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, निराश्रित गोवंश के प्रति हम संवेदनशील हैं। इधर उधर भटकते गोवंश से विभिन्न शहरों में जाम की स्थिति समस्या व स्थानीय कृषि उत्पादों को नुकसान भी हो रहा है। हमारी सरकार गोवंश की सुरक्षा एवं संरक्षण के इंतजाम को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी संवेदनशील सरकार ने गौ सदनों की स्थापना हेतु गत वर्ष के बजट प्रावधान को 6 गुना बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चंपावत में दुग्धशाला की क्षमता 10,000 लीटर प्रतिदिन बढ़ाकर 20,000 लीटर प्रतिदिन तथा पिथौरागढ़ में दुग्धशाला की क्षमता 5,000 लीटर प्रतिदिन से 10,000 लीटर प्रतिदिन करने की कार्रवाई गतिमान है। औद्योग प्रौद्योगिकी ऊर्जा एवं कौशल विकास। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह हर्ष है कि औद्योगिक क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण होने से उत्तराखंड में नए उद्योग आकर्षित करने का वातावरण तैयार हो रहा है और पूर्व में चल रहे उद्योगों में कार्य श्रमिकों एवं सेवा योजकों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित हो रहे हैं। उद्योगों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में उद्योगों के अनुरूप वातावरण बनाने में हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इंस्पेक्टर राज के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित कारखानों के निरीक्षण का कार्यक्रम प्रतिमा कंप्यूटराइज ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा रैंडम आधार पर निर्धारित किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष की पूर्व सहमति के बिना निरीक्षण नहीं किए जा सकते हैं। निरीक्षण किए जाने के 48 घंटों के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट को अपलोड किए जाने की व्यवस्था भी की गई है। भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किए जाने हेतु निर्मित किए गए ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण की कार्रवाई सतत रूप से गतिमान है। दिनांक 31 मई 2022 तक 29,61,496 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। यह राज्य को आवंटित लक्ष्य 31,500 का लगभग 99% है। राज्य ने ई श्रम पर पंजीकरण की इस महत्वपूर्ण योजना में देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिस हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्यों का सम्मान पत्र भी प्रदान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं को स्वावलंबी बनाने एवं राज्य की आर्थिकी में सुधार हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उत्तराखंड कौशल विकास मिशन के अंतर्गत निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राज्य पोषित एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट लिंक्वेड प्रोग्राम तथा बाह्य सहायतित उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर युवाओं को स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड राज्य के 2 जिलों रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर के जिला कौशल विकास योजना को वर्ष 2020-21 के जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत जिले का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके आधार पर आगामी वर्षों में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। युवा के कौशल को पहचान दिलाने एवं कौशल विकास को प्राथमिकता बनाए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर के विजेता राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं तथा राष्ट्रीय विजेताओं के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। मुझे अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2021 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
राज्य के 5 युवाओं द्वारा पदक हासिल किए गए हैं। इनमें 2 युवाओं द्वारा 3D डिजिटल आर्ट एवं साइबर सिक्योरिटी की श्रेणी में संघाई में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। राज्य के युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने के उद्देश्य से विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, अनुपालन भार कम किए जाने से संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य में ऐसे कानून जो समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके हैं उन्हें हटाए जाने एक समिति का गठन किया गया है। राज्य में अभी तक ऐसे 682 विधियों व उपविधियों की पहचान की गई है जो अप्रासंगिक हैं और जिनसे निवेश प्रभावित हो रहा है उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि में प्रदेश में 19,135 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा 47 बृहत उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिनमें 6,748.76 करोड़ का पूंजी निवेश और 1,18,123 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि समन्वय और सूचना साझाकरण की कमी के कारण नियोजन और कार्यान्वयन के बीच व्यापक अंतर मौजूद रहते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक समुचित योजना की आवश्यकता लंबे समय से थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस समस्या का निदान करने के लिए 2022-23 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का समावेश किया गया है। इस योजना से देश के आधारभूत ढांचे में सभी पक्षों के मध्य समन्वय के साथ काम होगा और आधारभूत संरचना के निर्माण में सरकार ने शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की है। राज्य द्वारा स्टेट गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत राज्य की परिसंपत्तियों को GIS मैपिंग कराकर गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य के पूर्ण होने से परियोजनाओं के निष्पादन में समय एवं लागत में अप्रत्याशित कमी आएगी तथा गुणवत्ता में आशातीत वृद्धि होगी। प्रदेश के द्वारा गति शक्ति प्रदेश मास्टर प्लान भी तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है। निवेशकों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक कुल 6,697 परियोजनाओं में 37,205.77 लाख के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए, जिसमें लगभग 1,68,005 व्यक्तियों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत समयबद्ध रूप से निवेश प्रस्तावों का ऑनलाइन निस्तारण किया जा रहा है। उत्तराखंड भारत सरकार के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला पहला राज्य है। स्टार्टअप नीति के अंतर्गत राज्य में 128 स्टार्टअप योजना को मान्यता प्रदान की जा चुकी है। 30 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य में 11 इनक्यूबेटर की स्थापना हेतु सरकार द्वारा अनुमति जारी की जा चुकी है। संपूर्ण राज्य में बूट कैंपों के माध्यम से नवाचारी विचारों का चयन कर उन्हें स्टार्टअप उद्यम के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से प्रत्येक 10 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का चयन किया जाता है। हमारी सरकार महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु प्रयत्नशील है, इस हेतु आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं। COVID-19 के पश्चात लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार के और अभिप्रेरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत 2021-20 में कुल 5,856 लोगों को स्वयं के उद्यम सेवा व व्यवसाय की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से 194.7 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 20,496 लोगों को स्वरोजगार व रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य ने निरंतर अच्छी उपलब्धि अर्जित की है। वर्ष 2017 से 2021-22 की अवधि में इस योजना अंतर्गत कुल 9,610 इकाइयों की स्थापना की गई, जिसमें लगभग 187 करोड़ 66 लाख
की मार्जमनी सामत्रित की गई। इनमें 77,460 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इस योजना में उत्तराखंड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उत्तराखंड में छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों द्वारा संचालित सूक्ष्म सेवा व्यवसाय व उद्यम के संचालन हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना 2021 में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना अंतर्गत फल, सब्जी, रेडी, चाय ठेली, प्लम्बर, दर्जी, इलेक्ट्रीशियन, लॉन्ड्री, बढ़ई, शिल्पकार तथा छोटे उद्यमी लाभान्वित होंगे। बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, रॉ मटेरियल, बैंक की स्थापना, विपणन तथा वैज्ञानिक सोच व नवोन्मेष के आधार पर नया रूप दिए जाने की संभावना के दृष्टिगत उपलब्ध संसाधनों का यथोचित उपयोग करते हुए प्रत्येक जनपद में 2 उत्पादों को चिन्हित करते हुए उनके उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने हेतु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी आर्थिक विकास एवं स्थानीय लोगों का आर्थिकी के उन्नयन के उद्देश्य से 1 जनपद 2 उत्पाद योजना 2021 में लागू की गई है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नई निर्यात नीति लागू की गई है। वर्ष 2015-16 में लगभग 11,000 करोड़ के निर्यात के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में 16,000 से अधिक का निर्यात किया गया। राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाएं विकसित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में राज्य का प्रदर्शन शीर्ष इंप्रूवर की श्रेणी में रहा है। राज्य में स्थापित उद्यमों को कुशल मानव श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत डोईवाला देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सिपेट स्थापना की गई है। नए भवन के स्थापना हेतु वन भूमि का स्थानांतरण उद्योग विभागों हो गया है और इस वित्तीय वर्ष में संस्थान के नए भवन का निर्माण कराए जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु 10,05,00,000 रुपया का प्रावधान किया गया है। राज्य के 7 उत्पादों यथा कुमारी चोरा आयल, मुंशियारी राजमा, उत्तराखंड का बोटिया धान, उत्तराखंड एप्पन, उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद एवं उत्तराखंड थुलमा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2021 में ही 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से इन उत्पादों की ब्रांड के साथ साथ मूल्य वर्धन होगा और इन उत्पादों के निर्माण में संलग्न उत्पादकों को बाजार मिलने से उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी। राज्य के अधिक से अधिक विशेष उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त कराए जाने हेतु सरकार प्रयासरत है। प्रदेश के हस्तशिल्प व हथकरघा संबंधित उत्कृष्ट उत्पादों का हिमाद्री ब्रांड के नाम से विपणन किया जा रहा है। कोरोना काल में बुनकर व शिल्पियों को ऑनलाइन विपणन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन पोर्टल अमेजन व फ्लिपकार्ट के साथ अनुबंध किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, सुशासन हेतु आवश्यक है कि सूचनाओं का प्रवाह द्रुत गति से हो, आंकड़ों की विश्वसनीयता हो तथा आंकड़ों का विश्लेषण करने की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी में संबंधित अवसंरचना का विकास होना आवश्यक है। हमारी सरकार के लगभग 4,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की योजना है। प्रस्तावित नेटवर्क से दूरस्थ स्थानों पर कार्यालय, स्कूल, थाने व अन्य सरकारी संस्थानों को आच्छादित करते हुए गवर्नेंस के क्षेत्र में समुचित विस्तार हो सकेगा। हमारी सरकार द्वारा पारदर्शी, सुचारू व समयबद्ध रूप से कार्य करने के लिए डेटा लेक पर कार्यवाही गतिमान है। इससे सभी विभागों के कामकाज को पारदर्शी बनाते हुए उसे एक छत के नीचे रखा जा सकता है। डेटा लेक से सिंगल लॉगिन के साथ पेपरलेस वर्किंग, अंतर विभागीय समन्वय, विभागीय अधिकारियों के लिए रोल बेस्ड आधारित डैशबोर्ड भी सुनिश्चित होगा। सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने के लिए एक नई पहल शुरू करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। इस उन्नत सहायक वितरण मॉडल के अंतर्गत नागरिक अपने दरवाजे पर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान समय में ड्रोन की उपयोगिता निरंतर बढ़ने जा रही है। इस क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी भवन देहरादून में
ड्रोन एप्लीकेशन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य में ड्रोन के उपयोग हेतु ड्रोन व ड्रोन संबंधित एप्लीकेशन निर्मित किए जा रहे हैं। इस केंद्र के माध्यम से ड्रोन संचालन हेतु पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। पारदर्शी शासन प्रणाली सुनिश्चित करने का एक मापदंड ई ऑफिस है। हमारी सरकार इस विषय में गंभीर है। इसी का परिणाम है कि सचिवालय के अतिरिक्त 26 अन्य कार्यालयों में ई ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा चुका है। अन्य विभागों को ई ऑफिस से संचालित करने की कार्यवाही गतिमान है। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से राज्य के 9 विभागों के 64 सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही है। नागरिक सेवाओं की प्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन पत्र पर की स्थिति जान सकते हैं एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं सेवा दिवस पर जारी की गई पुस्तिका में अपनी सरकार पोर्टल को स्थान प्राप्त हुआ है। अपनी सरकार पोर्टल की सफलता को देखते हुए राज्यों के दुर्गम इलाकों में सचल अपनी सरकार वैन के माध्यम से यह सेवा गांव गांव तक प्रदान करने की कार्रवाई गतिमान है। अध्यक्ष जी, राज्य में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना डिजी लॉकर के अंतर्गत लगभग 7 लाख से अधिक डिजी लॉकर स्थापित हो गए हैं तथा डिजी लॉकर के अंतर्गत स्थायी निवास, आय, जाति, चरित्र, हैसियत, पेंशन स्कीम, परिवार रजिस्टर, कक्षा 10 एवं 12वीं के प्रमाण पत्र आदि आच्छादित हैं। राज्य के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को साइबर सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान एवं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन को भी मंजूरी प्रदान की दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी स्थापना के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में भारत नेट फेज 2 परियोजना पर भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता का विकल्प खोजना समय की मांग है। जनता से प्राप्त सुझाव बजट संवाद में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए थे। इस संबंध में मुझे अवगत कराना कि प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस हेतु विद्यमान नीति में परीक्षण करते हुए यथा आवश्यक कार्यवाही परिवर्तन हेतु हम उसके लिए तत्पर हैं। प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में वर्तमान तक कुल 335.66 मेगावाट सम्मिलित क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। कुल 127 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापनाधीन है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक कुल 462.66 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट्स स्थापित होना लक्षित है। इन संयंत्रों से 900 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में अनुपयोगी भूमि का समुचित उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रदेश में राजकीय भवनों, चिकित्सालयों में वर्ष 2022-23 के में 40,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, जिसमें लगभग 6.57 मिलियन यूनिट विद्युत की वार्षिक बचत होगी। प्रदेश में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावना को बल दिए जाने हेतु उत्तराखंड जल विद्युत निगम को सरकारी भूमि, भवन एवं जलाशयों में सोलर ऊर्जा संयंत्र को स्थापन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। साथ ही दिनांक 19 मई 2022 को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के से सौर ऊर्जा क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु समझौता ज्ञापन पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्तमान तक 1.65 मेगावाट सम्मिलित क्षमता के सोलर पावर प्लांट्स स्थापित कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल 7.5 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाने लक्षित हैं। इससे लगभग 300 व्यक्तियों को स्वरोजगार मिल सकेगा। सूर्योदय स्वरोजगार योजना फेज 2 के अंतर्गत 6,000 परिवारों को 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना वर्ष 2022-23 में कराई जाने लक्षित है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत 40% द्वारा राज्य द्वारा एवं 40% भारत सरकार द्वारा और 20% लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। जनपद देहरादून में स्थित
प्यासी जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट क्षमता का निर्माण दिसंबर 2021 में पूर्ण कर उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, जिससे राज्य को 353 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्रतिवर्ष प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त 4.5 मेगावाट की काली गंगा सेकंड परियोजना का निर्माण कार्य इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा। 300 मेगावाट की लखवाड़ पर बहुउद्देशीय परियोजना, जिससे 6 राज्यों क्रमशः उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश को जलापूर्ति भी सुनिश्चित होगी, कि समस्त स्वीकृतियां प्राप्त कर निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। रिवर्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत विद्युत हानियों को कम किए जाने तथा विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण सहित स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य वर्ष 2025 तक किया जाना लक्ष्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 132 किलोवाट सिंगल सर्किट तथा 41.56 सर्किट किलोमीटर लंबी पिथौरागढ़ लोहावर लाइन को पूर्ण करना लक्षित है। सड़क, सेतु, उड्डयन एवं रोपवे। माननीय अध्यक्ष जी, सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास का मुख्य घटक होती है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में पांवटा साहब से देहरादून तक 44.7 किलोमीटर, जनपद चंपावन में बनबसा से नेपाल के कंचनपुर को संयोजित करने वाले भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर तथा भानेवाले से ऋषिकेश तक 20.6 किलोमीटर लंबी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही काठगोदाम, लालकुआ, हल्द्वानी बाईपास तक 37.5 किलोमीटर, रुद्रपुर बाईपास में 21 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। हम भारत सरकार के आभारी हैं कि अपार पूंजी की सहयोग से हमें इन राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी है। सम्मानित सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि पांवटा साहिब देहरादून परियोजना की लागत 988 करोड़, भारत नेपाल सीमा के अंतर्गत बनबसा से कंचनपुर को संयोजित करने वाली परियोजना की लागत 323 करोड़, भानेवाला ऋषिकेश परियोजना की लागत 934 करोड़, काठगोदाम लालकुआ हल्द्वानी बाईपास परियोजना की लागत 2319 करोड़ तथा रुद्रपुर बाईपास परियोजना की लागत 821 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में स्वीकृत एवं गतिमान कार्यों के सापेक्ष 524 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का नवनिर्माण, 1680 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का पुनर्निर्माण तथा 36 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। चार धाम यात्रा मार्गों पर जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार जेसीबी एवं अन्य मशीनें यात्रा काल व आगामी वर्षा ऋतु काल में भारी वर्षा से बंद होने वाले मार्गों को न्यून समय अवधि के अंतर्गत खोले जाने के लिए विभागीय तकनीकी स्टाफ एवं मशीनें तैनात की गई हैं। अध्यक्ष जी, लोक निर्माण के अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग के तत्वावधान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मेरा गांव मेरी सड़क योजना के माध्यम से सड़क निर्माण का कार्य गतिमान है। हमारी सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक सड़क सुविधाओं का निरंतर विकास होता रहे, जिससे वहां रहने वाले लोगों को प्लान करने के लिए मजबूर न होना पड़े। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और दैनिक जरूरतों का सामान आसानी से मिल सके एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावना का विस्तार मिल सके। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 11,099 किलोमीटर लंबाई पर निर्माण कार्य पूर्ण कर 250 से अधिक जनसंख्या की 865 प्रसावटों को सड़कों से जोड़कर 5,102 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है, जबकि 2000 में योजना प्रारंभ से वर्ष 2016-17 तक 7,529 किलोमीटर लंबाई पर निर्माण कार्य पूर्ण कर 250 से अधिक जनसंख्या की 955 बसावटों को सड़कों से जोड़कर रुपए 2,810 की धनराशि व्यय की गई थी। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य में योजना के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त हुई है। 10 साल से पुरानी सड़कें जो जीर्ण हालत में है, जिनकी चौड़ाई कम है, सतह ठीक नहीं है, अत्यधिक गड्ढे हो गए हैं, उनकी दशा में सुधार करने के लिए PMGSY 3 के अंतर्गत 2,288 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने का कार्य किया जाना गतिमान है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 151 नए पुलों की विशेष स्वीकृति राज्य को प्रदान की गई है। उन पुलों को भी दिसंबर 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मेरी गांव मेरी सड़क योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 2 सड़क निर्माण की योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत 102 सड़कों के सापेक्ष मार्च 2022 तक 21 सड़कें पूर्ण एवं 52 सड़कों का कार्य प्रगति पर है, जिसमें 37.4 किलोमीटर सड़क निर्मित की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इन योजनाओं हेतु धनराशि 13,48,00,000 का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्वाधान में हवाई मार्ग से यातायात आवागमन को सुगम बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। भारत सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत भारत के विभिन्न सुदूरगामी क्षेत्रों में बेहतर हवाई सेवा कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। वर्तमान इस योजना के अंतर्गत 13 स्थानों सहजदारा, चेन्यालीसूर, गौचर, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, नई टिहरी, श्रीनगर, मसूरी, जोशीमठ, धारचूला, हरिद्वार, रामनगर में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जौली ग्रांट एयरपोर्ट का विस्तारीकरण एवं पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है। प्रदेश के अंदर हवाई सेवा को बढ़ाए जाने हेतु रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अतिरिक्त अन्य हेलीपैड का भी निर्माण राज्य सरकार द्वारा गोजियाना, घनसाली, गैरसैंण, चमोली, देघाट, सियालदे, अल्मोड़ा, जोशियाड़ा, उत्तरकाशी, डीडीआर, पिथौरागढ़ में कराया जा रहा है। प्रदेश के अंदर विभिन्न दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने हेतु नए रूटों पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु हेलीकॉप्टर द्वारा चार धाम यात्रा सुगम बनाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। प्रदेश के अंदर चार्टर एवं शटल सेवा भी चलाई जा रही है, इससे श्रद्धालुओं को दूरदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्वतीय मार्गों में भूस्खलन व भू संरचना के कारण चाहते हुए भी हम न तो सड़कों का चौड़ीकरण कर सकते हैं और न ही सुगमता से नए सड़क मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। इस आलोक में पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए रोपवे आशा की एक किरण नई किरण है। यद्यपि रोपवे निर्माण में अंतर्निहित तकनीकी जटिलता व खास पूंजी की आवश्यकता एक चुनौती है, तथापि हम इस सफलता का नया इतिहास लिख रहे हैं। पर्यटन विभाग के तत्वाधान में जिस तरह से चुनौतियों की चट्टानों पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, वह इस बात का प्रमाण है कि विकल्प रहित संकल्प होने पर हर चुनौती से पार पाते हुए सफलता की एक बड़ी लकीर खींची जा सकती है। इसी क्रम में सम्मानित सदन को अवगत कराना है कि सुरकंडा देवी रोपवे का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा मई 2022 से रोपवे का संचालन भी प्रारंभ हो गया है। अध्यक्ष जी, देहरादून मसूरी, ठुली घाट, पूर्णागिरी एवं जानकी चट्टी यमुनोत्री रोपवे परियोजना के निर्माण की को गति प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड की क्षमता व विशेषज्ञता के दृष्टगत हमने 7 रोपवे परियोजनाओं के निर्माण हेतु अनुबंध किया है। हम आशान्वित हैं कि आने वाले वर्षों में गौरीकुंड से केदारनाथ, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टिहरी, खलिया टॉप से मुंशियारी, ऋषिकेश से नीलकंठ तथा औली से गौरसोन रोपवे परियोजनाएं प्रदेश के पर्यटन व आर्थिकी में 4 चांद लगाएंगे। इन 7 प्रस्तावित रोपवे के अतिरिक्त 35 अन्य रोपवे परियोजनाओं के को पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत स्वीकार करने हेतु 26 मई 2022 को सड़क परिवहन नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्वतमाला परियोजना ने हमारे सपनों को पंख लगा दिए हैं। प्रदेश के सपने साकार होते दिख रहे हैं। स्वर्गीय श्री हरबंस राय बच्चन की पंक्तियां समीचीन लग रही हैं। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की संकल्पना को पास जाना चाहता हूँ, चाहता हूँ तैर जाना, सामने अबुंदी पड़ा जो
कुछ विभाव उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ। स्वर्ग के भी स्वप्न भूपर देख उनसे दूर ही था, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। उत्तराखंड के लिए पर्यटन आज हमारी महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र उद्योग है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिनमें अधिकतम रोजगार की संभावना है। हमारे यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। हमारी जैव विविधता, वन, नदियां, पहाड़, ऐतिहासिक स्थान, मंदिर, तीर्थ, पौराणिक गुफाएं आदि पर्यटकों के आकर्षण के मुख्य प्रमुख बिंदु हैं। हम उत्तराखंड प्राकृतिक पर्यटन के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन, पौराणिक पर्यटन हब बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज फिल्म व सीरियल शूटिंग हेतु उत्तराखंड राज्य पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से साहसिक विंग का एवं इको टूरिज्म को विकसित किए जाने हेतु इको टूरिज्म विंग का गठन कर दिया गया है। विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों के लिए एक साफ, किफायती तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्तरीय आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास अर्थात होम स्टे योजना पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने में सफल हुई है। पर्यटकों को उत्तराखंड की संस्कृति व परंपराओं को समझने तथा उत्तराखंडी व्यंजनों के स्वाद का आनंद लेने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्राप्त हो रहा है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अब तक 4060 आवासीय इकाइयां पंजीकृत किए जा चुकी हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से लगभग 12,000 लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत गंगोत्री में यात्रियों की सुविधा हेतु प्रवेश द्वार, पार्किंग, लाइटिंग, जन सुविधा आदि एवं यमुनोत्री में अप्रोच रोड का निर्माण, घाट निर्माण, लाइटिंग, जन सुविधा एवं जानकी चट्टी ट्रैक रूट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीम बेस्ड डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत राज्य में दीर्घकालीन पर्यटन विकास के दृष्टिगत सभी 13 जनपदों में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीम बेस्ड डेस्टिनेशन विकास किया जाना प्रस्तावित है। जनपद अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर, कटारमल, नैनीताल में मुक्तेश्वर, पौड़ी में सत्यली एवं खारासैन झील, देहरादून में लाखा मंडल, हरिद्वार में 52 शक्तिपीठ, उत्तरकाशी मोरी हर की धून एवं जखोल सर्किट, टिहरी में टिहरी झील, रुद्रप्रयाग में चिरबिटिया, उधम सिंह नगर में द्रोण सागर के साथ ही हरिपुरा बाग जलाशय, चंपावत में पाटी देव दुरा, बागेश्वर में गरीब वैली, पिथौरागढ़ में मोक्ष मानो, चमोली में गैरसैन भराड़ीसैन को चयनित कर इनमें से कई स्थलों पर आधारभूत अवस्थापनाएं सुविधाएं विकसित की जा रही है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत लगभग 38 प्रमुख मंदिरों तथा पर्यटन स्थलों के महत्वपूर्ण मंदिरों को मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत विकसित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में 227 करोड़ निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि CSR फंड से वित्त पोषण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत घाट निर्माण, रैन शेल्टर, पर्यटन सूचना केंद्र आदि स्थापना सुविधाओं के कार्य किए जा रहे हैं। श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से CSR मद के अंतर्गत प्रथम चरण में 225 करोड़ के कार्य पूर्ण कराए गए हैं और वर्तमान में 198 करोड़ के कार्य गतिमान है। माननीय अध्यक्ष जी, हम अपने आंचलिक संस्कृति को बचाने, रखने व प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, जोशीमठ, श्रीनगर एवं नरेंद्रनगर को आंचलिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया गतिमान है। ग्राम्य एवं पंचायत विकास। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे गांव हमारी शक्ति और प्रेरणा के केंद्र रहे हैं। यह सही है कि विगत वर्षों में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अवसर की खोज आदि कारणों ने पलायन को बढ़ावा दिया है। हमने भी संकल्प लिया है
और ये विकल्प संकल्प हम गांव में खुशहाली को वापस लौटाएंगे। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियां प्रेरणादायक हैं। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डालें सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हम गांव को पुनः ऊर्जा का केंद्र बना रहे हैं, नए सड़कों के निर्माण से गांव को शहर से जोड़ा गया है, हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्वयं सहायता समूह आदि को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास जारी है। कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, जड़ी बूटी आदि के उत्पादन व विपणन हेतु समुचित प्रावधान किए जा रहे हैं। बारामासी संपर्क मार्ग व होम स्टे पॉलिसी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड के इस नए दौर में हम ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिन गांव ने प्लान का दंश झेला है वो रिवर्स प्लान से गुलजार होंगे। अध्यक्ष जी, आजादी के 75 वर्ष में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के इस अवसर पर पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार प्रथम चरण में 75 गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी, संपर्क मार्ग, स्वच्छ पेयजल, सुचारू विद्युत आपूर्ति आदि सुनिश्चित करते हुए स्टेकेशन या होम स्टे टूरिज्म के माध्यम से आर्थिकी को बढ़ावा देते हुए प्लान रोकने व रिवर्स प्लान को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री प्लान रोकथाम योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु 25 करोड़ का हम प्रावधान करने वाले हैं। सीमांचल विकास कार्यक्रम में राज्य के 5 जनपदों यथा चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ के 9 विकास खंडों में आम जनमानस के आर्थिक व सामाजिक उत्थान एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न अवस्थापना के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु 44,78,00,000 का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 आय व्यय में इस योजना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पोषित योजनाओं को हम पूरी लगन से लागू कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य हेतु 243.22 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 297.84 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना अंतर्गत वर्तमान में कुल 16,472 आवासीय इकाई निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष महामार्च 2022 तक 2,146 आवास निर्मित किए गए। शेष 14,326 निर्माणाधीन आवासों को माह नवंबर 2022 तक पूर्ण कराने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के इस आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 311.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की कार्य योजना के लिए कुल 25,000 युवक युवतियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 105 करोड़ 41 लाख का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने तथा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में एंटरप्राइज स्थापना में तकनीकी एवं ज्ञान आधारित सहयोग हेतु हब एंड स्पोक मॉड्यूल पर 2 रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स जनपद पौड़ी तथा जनपद अल्मोड़ा में स्थापित किए गए हैं। मार्च 2022 तक कुल 243 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके सापेक्ष 87 अभ्यर्थियों का चयन इंक्यूबेशन हेतु किया गया। 75 अभ्यर्थियों को बिजनेस प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया है। 22 मेंटर्स तथा 30 बिजनेस पार्टनर्स चिन्हित किए गए हैं। अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु
112 करोड़ 38 लाख रुपए श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन योजना के अंतर्गत, 34 करोड़ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत 30 करोड़ तथा मुख्यमंत्री महिला एवं स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास अध्यक्ष जी, शहरों पर दबाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है कि परियोजना बनाते समय भविष्य का भी ध्यान रखा जाए। हमारी सरकार ने 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर देहरादून व नैनीताल शहर के लिए उत्तराखंड इंटीग्रेटेड एंड रेसिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हल्द्वानी शहर के लिए इंटीग्रेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हल्द्वानी तथा मध्यम श्रेणी के 16 नगर निकाय डोयला, विकास नगर, रुद्रपुर, काशीपुर, पिथौरागढ़, श्रीनगर, जोशीमठ, गोपेश्वर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, जसपुर, सितारगंज, टनकपुर, चंपावत, किच्छा एवं खटीमा नगरों के अवस्थापना विकास के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सेकेंडरी टाउन परियोजनाएं तैयार की है। इन परियोजनाओं को भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। हमारा प्रयत्न है कि परियोजनाओं का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जा सके। इन परियोजनाओं से अच्छे स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता में सुधार व आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार व बुनियादी ढांचा विकसित करने, असमानता कम करने एवं गरीबों को निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करने जैसे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। जनता के सुझाव एवं बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में पार्किंग सुविधाओं के अभाव में अभाव के कारण नगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या पर चिंता व्यक्त की गई थी। मुझे इस सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है, इस हेतु आय व्यय 2022-23 के यथोचित प्रावधान किए गए हैं। पार्किंग की जगह चिन्हीकरण से लेकर संचालन तक के प्रत्येक चरण को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगर निकायों के क्षेत्रांतर्गत ऐसे परिवार जिनके पास आश्रय नहीं है को आवास उपलब्ध कराया जाना है। योजना अंतर्गत शहरों के 17,217 बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन तथा 13,180 अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप आवासों का निर्माण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 136.28 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत शहरी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं तथा यथा जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, पार्क निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उपलब्ध कराई जानी है। योजना अंतर्गत प्रदेश की 6 नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम तथा प्रेटनगर नैनीताल को सम्मिलित किया गया है। योजना अंतर्गत 75% कार्य पूर्ण हो गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 100.7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्रांतर्गत निवासरत शहरी गरीब बेरोजगारों को कौशल विकास, प्रशिक्षण, स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना, बेसहारों हेतु रेन बसेरों का निर्माण तथा शहर के रेड़ी फेरी व्यवसायों के लिए टाउन वेंडिंग स्कीम्स बनाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत देहरादून शहर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, डाटा सेंटर, ई गवर्नेंस, इंटीग्रेटेड सर्विस तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रे ग्राउंड रेजुवेशन वाटर एटीएम, स्मार्ट टॉयलेट, ड्रेनेज, पेयजल संवर्धन, स्मार्ट रोड, सीवरेज आदि कार्य किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, स्थानीय निकायों हेतु 1 अप्रैल 2022 से पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि दी जाएगी। नगर निगमों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में दी धनराशि 265.32 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 331.78 करोड़ की धनराशि दी जाएगी, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 666.46
करोड़ की वृद्धि हुई है। नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रुपए 262.16 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के में कुल 390.40 करोड़ की धनराशि दी जाएगी, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 128.24 करोड़ की वृद्धि हुई है। नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रुपए 63.46 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 113.24 करोड़ की धनराशि दी जाएगी, जिसमें 49.77 करोड़ की वृद्धि हुई है। पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन में कुल 39 ग्राम नगर पंचायतें थी, जिसके अंतर्गत 11 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। सभी नव सृजित नगर पंचायतों को पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में गैर निर्वाचित निकाय बद्रीनाथ को 1 करोड़ रुपया, केदारनाथ को 50 लाख रुपया, गंगोत्री को 50 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। उस धनराशि में वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बद्रीनाथ को 2 करोड़, केदारनाथ को 2 करोड़ एवं गंगोत्री को 2 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 170.6 करोड़ की धनराशि दी जाएगी, जिसमें 36.22 करोड़ की वृद्धि हुई है। क्षेत्र पंचायत के को वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि 81.6